Hey, what is up everyone? I hope you guys are doing well. So guys, today I'm here with my another new video. और guys, आज की वीडियो के अंदर हम आ गए हैं अमन म्यूजिकल्स पे, जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं सारी वैरायटीज ऑफ गिटार. So without wasting any more time, let's get started. अभी हम आ चुके हैं दुकान के अंदर और अमन भाई चमका रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक गिटार को. तो भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया. काफी दिन बाद वीडियो शूट कर रहे हैं आज हम. स्टॉक कैसा आ रखा है भैया? स्टॉक कुछ नए ब्रांड भी आए हैं. ठीक है, आज इंट्रोड्यूस करेंगे. बिल्कुल. और आपने देखा है भरा पड़ा है भैया दुकान में. मैं कह रहा हूँ जगह नहीं है मेरे पास. और जो अपने पास सब्सक्राइबर वगैरह आ रहे हैं भैया, बिल्कुल अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी कॉल आ रहा था आसाम से. ओके. अब वो अपने फादर से बात कर रहा है. वो कह रहा है मैं पैसे की बात करूँ घर में. ठीक है, वो रेडी होते तो शायद उनको भी मैं डिलीवर करा दूंगा. बहुत अच्छी बात है. तो भैया सब्सक्राइबर्स को डिस्काउंट मिल रहा है? बिल्कुल भैया, वही प्राइस मिल रहा है. और अगर जो आपका देखो आप पहली बार जो आपकी वीडियो में प्राइस है मैं पहले कम बताता हूँ. बाकी थोड़ा बहुत अगर बंदा कहता है ना कि बजट मेरा और कम है तो मैं ऐसा नहीं कहता. देखो आपका सब्सक्राइबर है, ठीक है, बिल्कुल, और इतनी उम्मीद से बंदा वो कर रहा है. अब मैं नहीं चाहता कि 200-400 के चक्कर में किसी का दिल रह जाता है ना, तो मैं उस एंड टाइम में कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो देख लो भाई, अमन भाई का यही बड़प्पन है, इसीलिए लोग अमन भैया की वीडियो सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं भाई यूट्यूब पे. तभी हम भी पूरे मन से अच्छी अच्छी चीजें एक एक चीज कवर करते हैं भैया. दूसरी बात, भैया हमको सारी की सारी वैरायटीज की नॉलेज देते हैं, प्रॉपर गिटार के बारे में बताते हैं, कैसे खरीदना है, क्या गिटार के अंदर देखना होता है ना, सारी चीजें बिगनर्स के लिए भी. तो भैया आज की वीडियो में आप जो नया ब्रांड बता रहे हो वो सबसे पहले हम निकालेंगे. उस ब्रांड का भैया जो आप बता रहे हो नया आया है, उस ब्रांड का जो सबसे लो प्राइस से गिटार आ जाता है, हम आज की वीडियो उससे शुरू करेंगे. बिल्कुल. ठीक है भैया, तो आज से पहले वो नहीं दिखाया, मतलब मैंने नहीं अभी नहीं दिखाया, वो किसी के पास है नहीं भैया, वो लॉन्चिंग हुआ भैया. चलो भाई मजा आएगा फिर आज की वीडियो में. तो दोस्तों आज की वीडियो करते शुरू. भैया वो गिटार निकाल लो. तो भैया ये ब्लैक कलर का आपने गिटार निकाल लिया, कौन सा गिटार रहने वाला है अभी एक बार ही बताना है भैया. जो ये ब्रांड है ना, ये पहली बार आपके व्यूअर्स देखने वाले हैं. ठीक है, अभी ये लॉन्च हुआ है इंडिया के अंदर, नया ब्रांड है वैसे तो, बट क्वालिटी वगैरह मैंने सारी चेक कर ली थी उसके बाद ही मैंने इसको. मैं कोई भी न्यू ब्रांड जब अपनी गिटार के शॉप के अंदर ऐड करता हूँ ना, मैं आपको बताया खुद प्ले करता हूँ. exactly. तो मैं बजा के चेक करता हूँ सारी चीजें, उसके बाद ही मैं शॉप पे उसको रखता हूँ बेचने के लिए. अदरवाइज मैं वो ब्रांड रखता ही नहीं जो मेरे को पसंद नहीं आता. तो ये इस प्राइस के अंदर जो इसका प्राइस बताने वाला उसके अंदर ये गिटार बिल्कुल परफेक्ट है. इसके अंदर जो ब्रिज वगैरह वो भी रोजवुड का है, और जो वुड है ना इसकी ये लिंदन वुड यूज है. लिंदन वुड, पूरी लिंदन वुड का है फ्रेट वुड. और जो ये ना क्या कहते हैं ब्रिज, ये रोजवुड में रहेगा. और दूसरा देखो इसमें स्क्रू लगा हुआ है. ठीक है, ये काफी अच्छी चीज रहती है. स्क्रू से, स्क्रू का फायदा ये होता है, कहीं देखोगे अपने गिटारों में ये पेस्टिंग उखड़ जाती है. इसमें स्क्रू नहीं होता है ना, उसमें खाली ग्लू पेस्ट होता है. ओके. ठीक है, क्या ये गिटार उन 2000-3000 के गिटारों से बेटर है या फिर ये भी उसी कैटेगरी में आता है? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये पता है व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना. ये आपने, मैं आपको इसके बारे में ना अच्छे से बताता हूँ आज. देखो गिटार भैया 2-2500 से स्टार्ट हो जाता है ना. ठीक है, बिगनर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, उसके दिमाग में होता है कि मुझे सबसे सस्ते में बहुत अच्छा गिटार मिले. तो जो 2000 के गिटार आते हैं ना, वो अगर देखो आपको शॉप के लिए लेना है ना, किसी को गिफ्ट करना है या आपको लगता है फोटो खिंचवानी है, तो आप वो ले सकते हो. अगर इस पे टाइम देना है, ट्यूशन भी लगा रहे हो है ना, फीस भी दे रहे हो इसकी, right. उसके बाद अपने सारे डेली के काम के साथ आपको मतलब गिटार उसके टाइम निकाल रहे हो, मतलब आप सचमुच में इंटरेस्टेड हो सीखने में. तो आपको ना थोड़ा ऐसा गिटार लेना, मैं नहीं कहता आप सीधा 15-20 हज़ार का ले लो, right. लेकिन कम से कम ऐसा गिटार आप लो जो 5-6-7 साल आपको आपके साथ चले, चेंज करने की जरूरत ना पड़े. तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि ये गिटार उस कैटेगरी में आ जाता है कि मतलब 5-6 साल आराम से सीखने के बाद भी इसको यूज कर सकते हैं. तो भैया अभी बात करते हैं इस गिटार की कंपनी कौन सी रहने वाली है. ये चार्ड कंपनी का है. चार्ड कंपनी, ये मलेशियन ब्रांड है. ठीक है, मलेशियन ब्रांड भाई. चार्ड कंपनी ब्रांड का नाम रहेगा यहाँ पे चार्ड, जो कि हमने अभी तक अपनी वीडियो में नहीं दिखाया. आज हमने ये नया ब्रांड इंट्रोड्यूस करा है अपने चैनल पे, चार्ड ब्रांड. ठीक है, बात करें गिटार की फिनिशिंग की, हमको ये ग्लॉसी फिनिश में गिटार मिल जाता है. कलर रहेगा इसका ब्लैक. बात करें भैया इस गिटार के अंदर सेम मॉडल क्या हमें कलर मिल जाते हैं? और भैया इसमें 2-3 कलर है मेरे पास. एक तो है? ये कलर मिल जाएगा. ठीक अभी है? जो स्टॉक में आया हुआ मेरे पास एक नेचुरल है. ओके. और अभी जो एक और कलर मिल सारा, क्योंकि अभी मेरे पास ये ज्यादा पीस नहीं आया थे, सनबर्न कलर आएगा और जिसे हम लोग ये वाला कलर बेचते हैं पहले. ठीक है, ये कलर मिल जाएगा सनबर्न कलर. ये तीसरा कलर ये मिल जाएगा, और एक रेड कलर मिल जाएगा, चौथा कलर हो गया, पांचवा मैं भी शायद से पक्का नहीं कह सकता, एक ब्लू कलर भी आएगा. ठीक है, तो भाई देख सकते हो इसके अंदर आपको कलर भी मिल जाते हैं अलग अलग, जो आप अपने
मर्जी के हिसाब से ले सकते हो कलर, ठीक है। चार कलर इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे आपको। दिखने में गिटार काफी ज्यादा ऑसम। और भैया गारंटी वारंटी क्या रहेगी इस गिटार? भैया 2 इयर्स की वारंटी है। 2 इयर्स की इसकी हमको वारंटी मिल जाती है। और भाई यहाँ से देख सकते हो कीज इसकी कवर्ड रहेंगी, कवर्ड कीज मिल जाती है हमको यहाँ पे, जिसके अंदर रस्ट लगने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। जो ओपन कीज होती है उनसे तो ये मच बेटर होती है। अभी चार कंपनी का ये गिटार रहने वाला है। भैया अब बता दो इसका प्राइस क्या रहेगा? पहले ये बताओ मार्केट प्राइस क्या चल रहा है और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या चलेगा, उसके बाद बताइए। बहुत बढ़िया डील दे रहा हूँ, ठीक है। 5,900 का भी ऑनलाइन है, काफी सारी वेबसाइट पे, ठीक है। और फॉरेन की काफी सारी, ये मलेशियन ब्रांड है, वहाँ की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो इंडिया के हिसाब से कितने पैसे बन रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो वहाँ पे आ रहा है 5,900। और उसके साथ उसमें बैग नहीं मिल रहा है आपको, ओके। और वारंटी का आपको मालूम है, वारंटी अगर वो बोलते भी है तो वो मिलती नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट अलग होती है। तो अब ये बता दो 5,900 रुपए विदाउट बैग ऑनलाइन मिल रहा है, ठीक है। और मेरे पास मिल रहा है, मेरे पास जो प्राइस रखूंगा भैया, मैं बढ़िया प्राइस निकालना पड़ेगा बिल्कुल सोच समझ के, ठीक है। अभी आपके लिए प्राइस पड़ जाएगा ये 4,500 का। उसमें बैग भी जो होगा पैडेड दे दूंगा अलग से, वो 600-700 रुपए का बैग है, वो बैग साथ दे दूंगा, पतला बैग नहीं। दो भाई आपको 4,500 रुपए में गिटार भी मिल जाएगा, साथ में बैग भी मिल जाएगा, जो कि 600-700 रुपए का बैग रहने वाला है। ऑनलाइन 5,900 रुपए का है, जहां पे बैग भी नहीं मिल रहा, खाली गिटार मिलेगा। अब आपको बैग भी मिलेगा 4,500 रुपए में, बैग भी मिलेगा और ये गिटार भी मिलेगा। तो देख सकते हो भाई, भी दिखाता भी आपको कैसे क्या ना, दिखाएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, राइट ना। कोई बंदा दूसरी जगह बोले भैया बैग तो मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन मैं क्या दे रहा हूँ उसको पता होना चाहिए, राइट। अब ये बैग थोड़ा कुशनिंग वाला बैग है, जैसे यामाहा का, ये दिल्ली वगैरह से आता है, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर ना एक तो वाटरप्रूफ भी रहेगा और पैडिंग भी रहेगी इसके अंदर, ठीक है भाई। ठीक है, तो इसके लिए इनफ है जिसको मतलब थोड़ा बहुत ट्रैवल करना है। जनरली देखो आपको पता है इस तरीके के बैग आते हैं, बट मैं तो उसको थैला बोलता हूँ, ठीक है। देख लो भाई, कोई पैड नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे बिल्कुल खाली सिंपल सा बैग होता है ये, ठीक है। और ये वाटरप्रूफ भी रहेगा, और आपको अगर गिटार बाय चांस इसमें गिरता है तो हाथ से स्लिप हो जाता है, तो सेफ रहता है। तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कुशन वाला बैग मिल जाता है 4,500 रुपए में, ये दोनों चीजें मिल जाती है आपको, जो की कहीं और नहीं मिलेगी। एक स्ट्रिंग सेट भी साथ में डाल के, और बताओ कंप्लीट, जो कि अलग से 300-400 का स्ट्रिंग सेट होगा वो वाला, वो स्ट्रिंग सेट भी मिलेगा आपको। तो ये तो भाई बहुत ही ज्यादा ऑसम डील। कलर इसके अंदर हमारे पास ये वाला नेचुरल कलर भी आ गया, जो कि ग्लॉसी में रहेगा, पीछे से रेड और आगे से नेचुरल, तीन से चार कलर अवेलेबल होने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो भाई इस गिटार को बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने भैया का नंबर दे रखा है, जाके आप इसको देख सकते हो। एक बार इसको प्ले करके देखेंगे किस तरीके का इसका साउंड रहने वाला है, फिर हम अगले गिटार की तरफ चलेंगे। गिटार के साउंड की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा इस गिटार का साउंड रहने वाला है। जिस हिसाब से इसका प्राइस है, काफी बेटर साउंड क्वालिटी मिल जाती है इस गिटार के अंदर। बाकी आपने अपने आप से सुन ही लिया है, और अगर अच्छे से समझ नहीं आया तो वीडियो को वापस से पीछे जाके हेडफोन लगाकर सुनना, आवाज आपको अपने आप पता चल जाएगी। 4,500 रुपए का ये गिटार अवेलेबल हो जाता है विद बैग और 2 इयर्स वारंटी। अब हम चलते हैं दूसरे गिटार की तरफ, तो आ जाओ भाई। तो भैया अगला गिटार हमारे पास कौन सा आ जाता है? भैया ये इसी का चार्ट रही, ऊपर वाला मॉडल है, ठीक है। बिगनर से थोड़ा सा ऊपर साउंड जो अच्छा चाहते हैं ना, और थोड़ा सा मॉडल इसका बढ़ेगा क्योंकि क्वालिटी अलग होगी बोर्ड की, ठीक है। तो भैया ये जो मैं देख रहा हूँ कलर, इस गिटार के कलर को क्या बोलते हैं? वैसे ये महागुनी शेड है,
ठीक है, महोगनी शेप। जो इसमें वुड यूज हुआ है ना, इसके अंदर स्प्रूस वुड यूज हुआ है, स्प्रूस और एक वुड होता है सैपल, ठीक है, उसका मिक्सचर है। साइड में सैपल वुड है और फ्रंट पे जो है इसका स्प्रूस वुड है। ठीक है, तो भाई साइड में सैपल वुड और फ्रंट पे स्प्रूस वुड यूज हो रखे इस गिटार के अंदर। बात करें इसकी ट्यूनिंग कीज की, तो इसकी ट्यूनिंग कीज हमको डाइकास्टिंग ट्यूनिंग कीज मिल जाती है। गिटार का कलर रहेगा महोगनी कलर, और भाई ये देख सकते हो, मेरी पास से दिखा देना, साउंड होल के पास डिजाइन मिल जाता है। फिर इसके एजिस पे हमको यहाँ पे डिजाइनिंग मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी लग रही है इस गिटार के ऊपर, ठीक है। वेट भी है भैया उसका, वेट भी, हाँ ठीक है। और जो ब्रांड का नाम रहेगा वो वापस से चार्ड कंपनी का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इसके गिटार इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि भाई किस तरीके के ये आपको गिटार लाकर दे रहा है मार्केट के अंदर, नई नई जो कंपनियां आ रही हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा गिटार देखने में लग रहा हैवी गिटार है ये, ठीक है। तो भैया अभी बात करते हैं इसकी गारंटी वारंटी क्या आ जाती है। टू इयर्स वारंटी देता हूँ इसके अंदर भी, टू इयर्स वारंटी रहेगी इस गिटार की। अब बात करते हैं भैया इस गिटार का प्राइस क्या रहने वाला है। प्राइस भी एमआरपी इसका 8,500 है, क्योंकि देखो ये बिगनर्स है, थोड़ा सा अपर लेवल के गिटार है, ठीक है ना, जिनको साउंड थोड़ा अच्छा चाहिए, थोड़ा सा बजट ज्यादा है। तो इसका एमआरपी है आपका 8,500। ऑनलाइन भी है मेरे हिसाब से ना, वहाँ पे जैसे 5,000-7,000 डिस्काउंट नहीं होगा, ठीक है, इस प्राइस के अंदर आप देख लें 8,500 इसका एमआरपी है। और आपके लिए भी मैं प्राइस लगा दूंगा 6,800। ऑनलाइन कितने? ऑनलाइन तो भैया मेरे हिसाब से 7,500 ऊपर होगा, ठीक है भाई। तो देख सकते हो मिनिमम 7,500 मान लेते हैं, हाँ मिनिमम। ऑनलाइन भाई 7,500 रुपए के अराउंड आपको ये गिटार मिल जाता है। भैया इसको दे रहे हैं 6,800 रुपए में, इसके साथ भैया बैग मिलेगा 6,500 की, 6,500। और बताओ 6,500 रुपए में आपको ये गिटार मिल जाता है भाई, चार्ड कंपनी का, ऑसम सा कलर रहेगा, ट्यूनिंग की जिसकी डाई कास्टिंग रहने वाली है, बहुत ही ज्यादा ऑसम डील। 6,500 रुपए में सीधा सीधा आपको ये गिटार मिल जाएगा, बहुत ही ज्यादा तो भैया आपने बताया 2 साल की वारंटी और 6,500 रुपए इसका प्राइस रहने वाला है, ठीक है भाई। अब चलते भैया किसी दूसरे गिटार के ऊपर। तो दोस्तों नेक्स्ट गिटार जो हम देखने वाले वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से हमारे पास नेचुरल मैट कलर में आ जाता है, बहुत ही ज्यादा ऑसम ये गिटार लग रहा है। नेचुरल कलर रहेगा यहाँ से, और फिनिशिंग जो रहेगी इसकी मैट में रहने वाली है। पीछे से ब्राउन कलर मिल जाता है और एजिस पे छोटी छोटी लाइनिंग ब्लैक कलर की। भैया काफी ज्यादा ऑसम ये गिटार लग रहा है बिल्कुल देखने में। वापस से बता दो भाई, चार्ड ब्रांड का ही ये गिटार रहने वाला है फिर से हमारे पास। भैया ट्यूनिंग कीज इसकी कैसी रहेंगी? डाई कास्टिंग ट्यूनिंग कीज रहेंगी इसकी, ठीक है। तो एक बारी अब इसके बारे में बता दो कि क्या मटेरियल इस गिटार के अंदर यूज हो रखा है। इसके अंदर जो वुड है ना, तीनों साइड एक ही है, ठीक है, ठीक है। यहाँ ये टॉप कहते हैं, बैक एंड साइड में महोगनी है, ठीक है, पूरी महोगनी है, देखो कोई भी चेंजेस नहीं है। ओके, इसका जो फ्रंट है ये भी वो है, क्या कहते हैं, और ये सॉलिड टॉप है, मतलब ये वाली जो वुड है सिंगल वुड का, सिंगल वुड के अंदर ये हैवी होता है और इसमें साउंड रेजोनेंस और ज्यादा होती है। सेकंड एक छोटी चीज देखो, इसके अंदर जो ये रोज वुड का रहेगा फ्रेट वुड वही, और जो ये सैडल यूज हुआ है ना, ये प्लास्टिक नहीं है, ये बोन है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छे गिटारों के अंदर आता है, ओके। और ऊपर जो नट यूज हुआ है ये भी बोन का है, थोड़ा ये क्वालिटी वाइज और अच्छा होता था, महंगा होता है, ये महंगे गिटारों की पहचान यही है, उनके अंदर ये सब छोटा सामान होगा ना, और बेटर क्वालिटी का लगा होगा, ठीक है। तो ये महोगनी के अंदर ये गिटार की बॉडी रहने वाली है, फ्रेटबोर्ड और ब्रिज रोजवुड रहता है, रोजवुड रहेगा। ट्यूनिंग की जिसकी कवर्ड रहने वाली है। अब बात करते हैं भैया इसकी गारंटी वारंटी क्या मिल रही है। भैया सेम एक्चुअली वैसे तो मैं 4,500 से ऊपर जो भी गिटार है ना मेरे पास, मैं उसमें टू इयर्स की वारंटी देता हूँ, क्योंकि वो सारे क्वालिटी वाले गिटार है, ठीक है। तो 2 साल की इसके अंदर वारंटी मिल जाती है हमको। अब बात करते हैं भैया प्राइस की, क्या प्राइस आ जाता है इसका? भैया प्राइस का 10.5 तो एमआरपी है, 10.5 इसकी एमआरपी है। भैया इस पर मैं पूरा 25% ऑफ दे सकता हूँ, 7,800 रुपए का पड़ेगा। 25% ऑफ, भाई ये देख लो, फिर भैया ने एक और ऑसम सी डील दे दी, 10,500 रुपए का गिटार, ये एमआरपी रहेगी इसकी। 25% ऑफ करने के बाद ये गिटार 7,800 का विद बैग, 7,800 रुपए का ये गिटार मिल जाता है विद बैग विद स्ट्रिंग सेट, बिल्कुल स्ट्रिंग सेट भी, पूरी स्ट्रिंग सेट भी, पिक्स भी, बैग भी। अब देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा ऑसम ये डील रहने वाली है। 10,000 रुपए का गिटार आपको सिर्फ 7,800 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा ऑसम डील ये रहने वाली है। 2 साल की वारंटी, डाई कास्टिंग ट्यूनिंग कीज, महोगनी मटेरियल लगा इसके अंदर। तो भाई इसको बाय करने के लिए भैया को कॉन्टैक्ट करो या फिर शॉप पे विजिट करो, एड्रेस का लिंक मैंने नीचे दे ही दिया है, भैया का नंबर भी नीचे ही रहेगा। ऑनलाइन ऑर्डर इजीली हो जाते हैं भैया, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी डिलीवरी, कहीं भी, ठीक है। तो भाई ये भी आपको बहुत अच्छी चीज मिल जाती है। अब चलते हैं इससे ऊपर रेंज कौन सी गिटार की आ जाती है भैया, दिखाया था इसी मॉडल के, इसी ब्रांड के अंदर आया मेरे पास, ठीक है। तो भाई एक बार ये देख लो, जो अभी अमन भैया ने गिटार दिखाया ना, एक बार तो इसकी ट्यूनिंग कीज दिखाना भाई, इलेक्ट्रिक गिटार वाली ट्यूनिंग कीज है भाई, छोटी छोटी कीज है, छोटी छोटी कीज, ऊपर से एक ही साइड में 6 की 6 स्ट्रिंग सारी,
ये काफी ज्यादा ऑसम चीज लग रही है। उसके बाद जो गिटार का यहाँ पे कट रहेगा भाई, कट भी भैया कुछ अलग ही कट है, इलेक्ट्रिक जैसा भाई। मैं कह रहा हूँ भैया कुछ ये तो आपने यूनिक ही चीज दिखा दी इस बार। परफॉर्मर के लिए गिटार है, उसका साइज भी कॉन्सर्ट साइज है, स्टेज साइज कहते हैं, ठीक है। जिनको प्ले करना है परफॉर्मेंस के लिए, कंफर्ट साइज बना रखा है ना, आपने क्वालिटी देख ली है, हाथ में लेके आपको पता लग रहा होगा बिल्कुल भाई। सॉलिड यूजुअल इस साइज के गिटार इतने भारी भी होते, काफी ज्यादा भारी है गिटार है। इसका जो हेड शॉक है वो भी देखो बिल्कुल इलेक्ट्रिक की तरह है भाई। हाँ, ऊपर से जो हेड रहेगा इसका वो भी बिल्कुल इलेक्ट्रिक वाली शेप इसके अंदर दे रखी है। जैसे कि आपने बताया यहाँ पे कौन सी वुड यूज हो रखी है, इसमें जो वुड यूज है ना वो आपने भी किसी गिटार में कवर नहीं कर रहे, क्योंकि बिल्कुल अलग वुड है और बहुत अच्छी वुड मानी जाती है वो वॉलनट। इसके अलावा जो हमने गिटार देखे ना उससे किसी में महोगनी है, और ज्यादातर जो गिटार है वो स्प्रूज और महोगनी में आते हैं, वॉलनट में बहुत कम आते हैं क्योंकि प्रीमियम रेंज होती है थोड़ी सी। और साइड के अंदर इसके साइड भी जो है वॉलनट और स्प्रूज है, मिक्सर होता है, और जो फ्रंट वुड है वो प्योर जो है वॉलनट रहेगा और सॉलिड होगा। तो भाई देख सकते हो यूनिक ट्यूनिंग कीज, यूनिक कट, सारी की सारी यूनिक चीजों के साथ इसके अंदर वुड भी यूनिक यूज हो रखी है, जो कि रहने वाली है वॉलनट वुड। भाई इससे पहले मैंने कभी वॉलनट वुड का कोई भी गिटार कवर नहीं किया, ये पहली बार देख रहा हूं मैं खुद भी वॉलनट वुड का गिटार, जो कि काफी ज्यादा भारी रहेगा। भैया बात करते हैं फ्रेट बोर्ड और ब्रिज की, तो इनमें कौन सा वुड? सेम रोज वुड है, ठीक है, ये दोनों रोज वुड के मिल जाएंगे हमको यहाँ पे। उसके बाद ये जो गिटार रहेगा ग्लॉसी फिनिश में हमारे को गिटार मिल जाता है भाई, देख सकते हो। तो भाई देख सकते हो सेमी कॉस्टिक हमको ये गिटार मिल जाता है। यहाँ पे फिशमैन का पिकअप इसके अंदर यूज हो रखा है, जिसके अंदर हमको बेस, ट्रेबल, वॉल्यूम और ट्यूनर मिल जाता है भाई। काफी ज्यादा ऑसम चीज ये गिटार के अंदर। इसकी जो ट्यूनिंग कीज रहेंगी वो भी डाइकास्टिंग ट्यूनिंग कीज रहेगी, सारी एक तरफ मिल जाती है भाई। ये गिटार वो गिटार है कि आप कहीं लेके बैठते हो ना तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई कहाँ से लिया है। ये बहुत एकदम बैलेंस्ड टोन है इसका, आप प्ले करके देखो उसको मजा आ जाएगा, ठीक है। एक बार हम इसको प्ले भी करके देखेंगे। मैं बता देता हूँ कंपनी का जो नाम रहेगा वो भी इसी है, सेम चार्ड की एक रहने वाला है गिटार। अभी एक बार इसका साउंड सुन लेते किस तरीके से साउंड रहेगा। उसके बाद एक लास्ट में आपके लिए गिटार है जो कि सबसे ज्यादा ऑसम गिटार, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स देखना मिस ना करो, ठीक है। तो आ जाओ एक बार इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। और फिनिशिंग की बात करें तो ग्लॉसी फिनिश में हमारे पास एक गिटार है सनबर्स्ट, जो की भाई बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। बात करें इसके फ्रेट बोर्ड पे हमको देख लो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन भी मिल जाता है यहाँ पे फ्रेट बोर्ड पे, हमें बीच बीच में व्हाइट कलर की दो दो डॉट्स मिल रहे हैं जो की काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसका ब्रिज रहेगा वो भी सेम इसी के कलर के मैच का रहने वाला है। भैया बात करें फ्रेटबोर्ड और ब्रिज में कौन सी वुड यूज हुआ है? भैया इसमें भी रोज वुड यूज हुआ है, दोनों में बिल्कुल भैया, ठीक है। और जो इसका टॉप है इसके अंदर सैपल वुड यूज किया है, बिल्कुल सैपल वुड, हाँ जी। और बाकी जो साइड में इसका स्प्रूज रहेगा, ठीक है। सबसे अच्छी जो इसके अंदर यूनिक चीज है उसकी ट्यूनिंग की चेक करो। ओके, अरे भाई ये वाली भाई ट्यूनिंग कीज आज तक हमने किसी गिटार में नहीं दिखाई है भाई। ये रेक्टेंगल शेप की कोई ट्यूनिंग कीज हमने भाई पहली बारी देखी भैया मैंने भी, तो इन ट्यूनिंग कीज के बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताना कि क्या है इनके। देखो पहली बात तो ट्यूनिंग की थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहती है, ओके, 1200 से 1300 रुपए का एक की रहता है, ओके। वैसे जो खराब होता ही नहीं है, पर ये एक्सपेंसिव गिटार है इसलिए सारा एक्सपेंसिव इसके अंदर एसेसरीज लगी हुई है, ओके। और क्वालिटी आप देख ही सकते हो भैया, फिशमैन का पिकअप भी है इसके अंदर, बिल्कुल। तो भैया जो ये मतलब डाई कास्टिंग ट्यूनिंग कीज ही है, डाई कास्टिंग से भी ऊपर है भैया, मशीनरी ऐसी है खराबी नहीं होती है जल्दी से।
वेरी नाइस। तो इसके अंदर हमको भाई ये देख सकते हो कुछ यूनिक टाइप की यहाँ पे ट्यूनिंग कीज मिल जाती है, तो ये गिटार को और ज्यादा प्रीमियम बना रही है भाई, ठीक है। उसके बाद भैया जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे फिशमैन का पिकअप रहेगा, पर इनके अंदर हमारे पास चार ही कंट्रोल है। ब्रदर इसमें मॉडल पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो ये भी जो पिकअप है ना, अगर अलग से लगाते हो इसका जो प्राइस है 8 से 9,000 है। अच्छा, बेसिक पिकअप से ऊपर वाला पिकअप है। ओके, तो भाई देख सकते हो फिशमैन में जो बेसिक पिकअप आता है उससे ऊपर वाला मॉडल ये रहने वाला है। इसके बाद भैया कितने और मॉडल आते हैं? 1 लाख तक आता है। अच्छा, 1 लाख तक पिकअप आते हैं। तो भाई ये देख सकती हो 8 से 9 हजार वाला इसके अंदर पिकअप लगा हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास बेस, ट्रेबल, फेस, वॉल्यूम, ट्यूनर, सारी चीजें हमको इसके अंदर ही मिल जाती है। प्रोफेशनल गिटार है या बिगनर के लिए हम लोग इसको नहीं सजेस्ट करेंगे राइट, क्योंकि इसका बजट भी ज्यादा रहेगा इसमें सारी चीज। और पहली बात, जो प्रोफेशनल बंदा होगा वही इसको समझ पाएगा है ना, तो right. इतना महंगा बिगनर्स ना ले। जो हमने पहले सीरीज दिखाई थी 7 से 8 हजार तक, वहां तक आप ले सकते हो। बिगनर्स जो भी है हम वही सजेस्ट करेंगे, ये नहीं कि बिगनर्स आ रहे हैं तो हम ये वाला भी चेप देंगे उनको। नहीं भाई, ये गिटार बिगनर्स की लेने वाली चीज है नहीं। बाकी अगर कोई बाकी वो अगर लेना ही चाहता है तो मिल जाएगा। ऐसा है कि हाँ, कई बार होता है बंदा एक बारी में एक अच्छी चीज लेना चाहता है, इसका बजट है, बजट वो सीरियस है म्यूजिक को लेके, हाँ आगे उसको कंटिन्यू करना, बिल्कुल बिल्कुल वो ले सकता है, वो ले सकता है। बाकी हम ऐसा नहीं बोलेंगे जो लोग अभी सोचते हैं, हम लोग जो कई लोग होते हैं ना सोचते हैं ट्राई करते हैं, पता नहीं आगे कई लोग छोड़ भी देते हैं म्यूजिक, उनको हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो भाई देख सकते हो नीचे हमको यहाँ पे ऑक्स का सिस्टम मिल जाता है, इधर ही सेल लगेगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे रहने वाला है इक्वलाइजर ग्लॉसी फिनिश में। हमारे पास ये सनबर्स्ट कलर में गिटार आ जाते हैं। भैया अब बात करते हैं वुड वगैरह सारी चीज बता दी, अब बता दो इसकी गारंटी वारंटी क्या रहने वाली है। सेम 2 इयर्स वारंटी है चार्ट की हर गिटार पे मेरे पास, ठीक है। और प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका भैया थोड़ा सा महंगा जरूर रहेगा, 15,500 का इसका एमआरपी रहेगा। 15,500 की भाई इसकी एमआरपी रहने वाली है। बेस्ट प्राइस होगा ना, कहीं नहीं मिलेगा भैया, दिल्ली गुड़गांव कोई बंदा घूम ले 11,400 रुपए का मिलेगा भाई। 15,500 रुपए का गिटार आपको 11,400 रुपए में दे रहे हो। बैक 2 इयर्स वारंटी, और इसके साथ जो एसेसरीज होगी इसके साथ कैपो भी साथ मिलेगा, स्ट्रिंग सेट होगा और कटर्स होगी। भाई यार ये वाली डील थोड़ी अच्छी लगी है मुझे भाई, 15,500 रुपए का गिटार आपको सिर्फ 11,400 रुपए में, 11,400 में भैया ये गिटार भी आपको देंगे, 2 साल की वारंटी भी देंगे। बिल दोगे भैया? बिल भी मिलेगा आपको, गिटार का बैग भी मिलेगा, केप भी मिलेगा, स्ट्रिंग सेट भी मिलेगा और प्लेक्ट्रम भी मिलेगा। वन टाइम वाली चीज है भैया, जिसको है ना कि प्रोफेशनल गिटार लेना है उसके लिए एक बार मेरे पास विजिट करो, इसको बजाओ, आग बंद करने वाली चीज है भैया। मैं तो कहता हूँ जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के लोग है ना right. वो मेरे पास आकर लें, क्योंकि ना ऐसे क्या होता है कि फोन पे कुछ भी बता रहा है कोई दूसरा भी, जो भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, जो लोग अगर आसपास पे शॉप है तो वहाँ जाके उसको चेक करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चीज खराब नहीं बेच रहा, इसलिए मुझे किसी का डर नहीं है। exactly. मेरे पास विजिट करो, इसको आधा एक घंटा बजाओ, कनेक्ट करके बजाओ स्पीकर के साथ, उसके बाद आप डिसाइड करो। तो भाई भैया ने पूरी गारंटी ले ली इस गिटार की, भैया खुद बोल रहे हैं आके आराम से बैठ के कनेक्ट करके बजाओ, नॉर्मल बजाओ, आराम से पूरे तरीके से बजा के देखो। जंबो साइज में गिटार रहने वाला है, आंख बंद करके खरीदने वाली चीज है, वन टाइम गिटार ये रहने वाला है। इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है इसके साथ भाई, बैग मिल रहा है, 2 साल की वारंटी मिल रही है, बिल मिल रहा है, केपो मिल रहा है, स्ट्रिंग सेट मिल रहा है, और उसके बाद आपको प्लेक्ट्रम भी मिल रही है। सारी चीजें तो दे दी भैया आपने, बंदे को फिर कहीं जाना ही नहीं है, एक बार लेके घर ही बैठेगा फिर वो अपने। मैं भी साथ जा सकता हूँ ठीक है। तो भाई बहुत ही ज्यादा ऑसम डील, भैया को गिव अवे कर देंगे हम गिटार को खरीदो ठीक है, दूसरे बैग में हम भैया को दे देंगे। तो भैया आप बात करते हैं ये गिटार जो हमारे सब्सक्राइबर आएंगे आप 11,400 में ही दोगे? भाई देख लो 11,400 इसकी भैया पूरी गारंटी है, कहीं चेक कर लेना इसका प्राइस, कहीं भी दिल्ली गुड़गांव कहीं। तो भैया अब एक बार इसको प्ले करके देख लेते हैं किस तरीके का इसका साउंड रहेगा। भाई सारे के सारे हेडफोन लगा लो फटाफट से और अब सुनना किस तरीके का इस गिटार का साउंड है, फिर आप खुद कमेंट में बताना कि पैसे जो हमने बताया वो वर्थ इट है कि नहीं। La 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 la
तो भाई बात करें इस गिटार के साउंड की, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम इस गिटार का साउंड रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चार्ड कंपनी का भाई सबसे ज्यादा अभी जो हमारे पास स्टॉक रहेगा चार्ड कंपनी में, उनमें सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव गिटार ये रहने वाला है, जिसके साथ हमको फिशमैन का पिकअप भी मिल रहा है यहाँ पे। तो भाई साउंड अच्छा होना तो ऑब्वियसली चीज थी, बहुत ही ज्यादा ऑसम इस गिटार का साउंड भैया, सच में मजा आ गया इस गिटार का साउंड सुन के। तो भाई आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई रियली होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू देन प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो कि नेक्स्ट वीडियो कैसे बेटर हो सकते। टिल देन बाय बाय।